नमस्कार दोस्तों, यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि वाटर के अंदर, पानी के अंदर लंबे लंबे ब्रिज पुल कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इनके फाउंडेशन तैयार किया जाता है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको दिखाया गया है कि पुल को, इसको कैसे तैयार किया गया है। स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, ये भारत का तीसरा सबसे लंबा केबल सस्पेंडेड ब्रिज है। इसका नाम है अटल सेतु और यह गोवा में मंडोवी नदी के ऊपर बना हुआ है। 600 मीटर लंबा लगभग ये ब्रिज है और इसका जो लॉन्गेस्ट स्पान है वो है 150 मीटर का। वो 150 मीटर के बीच में कोई पिलर नहीं है और ये सीधा केबल से रुका हुआ है। वाटर लेवल और इसके बीच में डिस्टेंस 30 मीटर वर्टिकल क्लियर हाइट है। पिछले साल इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। खास बात यह है कि इसके दोनों साइड पहले से दो ब्रिज कंप्लीट तैयार हैं। वो पुराने ब्रिज हैं, उनमें से एक क्षतिग्रस्त हो चुका है और उन दोनों के बीच में इसको बनाया गया है। L&T कंपनी ने इसको बना के तैयार किया है। अभी आपको जो स्क्रीन पर दिख रही है वो है पाइलिंग प्रोसेस और ब्रिज के लिए, फाउंडेशन के लिए पानी के अंदर पहले नीचे बोर करके पाइलिंग की जाती है और पाइल फाउंडेशन इस्तेमाल किया जाता है, हम यदि डायरेक्टली वर्ड में कहें तो। और इन पाइल फाउंडेशन पे कंक्रीट को सेट करते करते वाटर लेवल के बाहर निकलते हैं और वहाँ से फिर फॉर्म वर्क का इस्तेमाल करते करते ये पिलर तैयार किए गए हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो किस तरह से ये सारी चीज़ें की गई हैं। कास्टिंग यार्ड में पहले ऑलरेडी प्री कास्ट इसमें पैनल यूज किए गए हैं, उनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके यहाँ तक लाया गया है और फिर क्रेन के जरिए उनको एक से एक, जैसे मेट्रो बनाई जाती है, मेट्रो की लाइनें अपर जो हाइट पे जो मेट्रो होती है, ओवरहेड मेट्रो लाइन, उन्हीं की तरह इसको भी तैयार किया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही हंसते रहिए, खुश रहिए। गुड नाइट।